मई 21 तारीख शुक्रवार दिन पुरी जिलूर 473 जन समेत समग्र राज्य 11108 जन नूतन करोना आक्रांत को चिन्हट कर राज्य 10881 जन रोगमुक्त हो सूचना मिली। अस्तरंग 16, ब्रह्मगिरी 13, डेलांगीर 14, गोपुर 25, काकटपुर 14, कणास 8, कोणार्क एनएससी 4, कृष्णप्रसाद 28, निमापड़ 40, निमापड़ एनएससी 12, पिपिली 60, पिपिली एनएससी 11, पुरी सदर 63, पुरी पौरांचल 137 और सत्यवादी 26 जन समेत खोर्धार आसा 2 जन नूतन आक्रांत को चिन्हट कर आगामी बात्यार संभावना को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्ष पेंठकटा अंचल सतर्क सूचना जारी कर श्रीनगर सम्मुखस्थ रथखड़े रथ निर्माण कार्य लगी सेवक और श्रमिक मानर्यंत 18 जन करोना आक्रांत हो खबर मिली। सुरक्षा दृष्टि संपूर्ण निबुज व्यवस्था बायो बबल व्यवस्था मध्य रथ निर्माण निर्माण सह संपुक्त श्रमिक और सेवकों समेत प्रशासनिक अधिकारी ही केवल रथखड़ा को जापारे कटक जारी करनिरथर महाराणा 33 जन भोई सेवक 39 जन करती सेवक 4 जन ओझा व कमार सेवक 12 जन तुंबबिंध कारीगर 2 जन पही महाराणा जणे और रथखड़ा सहायक जणे एपरी मोट 92 जन रथ कम लगी करोना कारण विभिन्न वृत्ति में पारिश्रमिक आधार में पहुंचा बेले निर्माण सेवक और श्रमिक मान दुई गुणा मजूरी प्रदान करा और सेमान को भक्त नवास रखा श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष सूचना जारी करा जाई। शनिवार सन्धार कार्य शेष होगा सुधा समस्त 42 तुंबर काम शेष हो बिंध कार्य आरंभ हो प्रत्येक तुंबर 16 जोड़ाए लेखाएं 32 गोटी बिंध करपुरीस्थ करतकल जंतापटा अर और आसन आवश्यक काठ और पटा आसी पुरी में पहुंची। दोलवेदीस्थ अस्थायी कमारशाला ओझा सेवक मैंने तुंबरे फिटिंग पंदारी निर्माण जारी रखिंट रथ 42 चक 84 पंदारी और 84 बड़ा आवश्यक होता है। शुक्रवार दिन रथखड़े एम रो पुरी नामक एक संगठन पक्षर दही सर्वत बंटन करा रथ निर्माण को कही देखिबे नाही बोली विगत वर्ष बोली चलित वर्ष रथखड़ा को कना आढ़ुआल रखा जाए किंतु प्रचंड खरार सुमिष्ट दही सर्वत लोभग्रासी सुरक्षा दायित्व थिबा पुलिस कर्मचारी समेत निर्माण कार्य लगी सेवक और श्रमिक को एम रो पुरी अनुष्ठान सदस्य गण बेरेक ट्रक दही पा धरी उभय रथखड़ा और कमारशाला पहुंची दही पा बांटी और बदान्यतर प्रचार उद्देश्य सेल्फी भी उठाई रथखड़े करोना आक्रांत संख्या 8-18 पहुंची सूचना जारी होता किए यह दही पा दाता मान अनुमति और किए से सुरक्षा दायित्व तार तदंत एवं जरूरी हो पड़ी यह किसी अंतर्धात्री कार्य चर्चा चली। महाप्रभु बाहर चंदन यात्रा बिना भक्त और सीमित संख्यक सेवक आयोजित होती।
ଧର୍ମର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ପରମ୍ପରାର ଅନୁପାଳନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସମେତ ଯୋଗାସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ, ଦେବପୂଜନ ଓ ଶଙ୍ଖବାଦନ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ର ଆଦି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖବାଦନ। ଶଙ୍ଖବାଦନ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମେତ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶଙ୍ଖ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦନ ଶୈଳୀ ରହିଥିଲା। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ବଜାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଦେବପୂଜନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦର୍ଶକଗଣ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଶଙ୍ଖବାଦନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, କଟକଣା ମାନନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। कोरोना में हो क्या रहा है, छाती जाम यही हो रहा है ना, लंग्स जाम हो जा रहा है, सांस लेने की तकलीफ हो जा रही है, दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण से इंसान की मौत हो जा रही है। आपके घर में एक ऐसा यंत्र है, भगवान ने एक ऐसा हथियार आपके घर में दिया है कि उससे कोरोना क्या, कोरोना के मम्मी पापा सब भाग जाएंगे। बस उस काम को करना है। वो हथियार मैं बताऊं क्या है, ये सामने पड़ा है। जिसके घर में शंख हो, शंख है आप लोग के घर में, कितने के घरों में शंख है, हाथ उठाइए। शंख वाला घर, बस दो ही लोग के घर में शंख है, खरीद लीजिए। ये ऐसा हथियार है, ये ज्यादा से ज्यादा 500-600 रुपए में मिलता है। श्रीवास्तव जी कितना में मिलेगा, यही मिलेगा ना, खरीद लीजिएगा, कल ही खरीद लीजिएगा। शंख रखिए, ये शंख वो है, इसमें जो फूक मारता है उसके छाती में बड़ा दम होना चाहिए, क्योंकि छाती की शक्ति से ही वो फूक मारा जाता है, ऐसे ही कोई फूक नहीं मार सकता। लंबी गहरी सांस जो ले सकता है और लंबी गहरी सांस फूक मार सकता है, वही इसको बजा भी सकता है। यानी शंख बजाने के लिए बड़ा दम चाहिए, और दम कहां से आता है, दम तो सीने से ही आता है ना। तभी तो लोग कहते हैं जब मर्दानगी की बात होती है तो सीना ही तो चौड़ा होता है, होता है ना, मर्दानगी की बात होती है, सीना चौड़ा होता है और बड़े काम कर लेते हैं तो पीठ ठोका जाता है, वो भी छाती के पीछे ही तो है। यानी दोनों हिस्सा, पीठ हो चाहे छाती हो, दोनों शक्ति संपन्नता और मर्दानगी के साथ इसका संबंध है। तो अपनी छाती को मजबूत बनाइए। छाती को मजबूत बनाने के लिए आपके घर में ये 500-600 रुपए का, थोड़ा महंगा भी होगा तो 700-800-900 रुपए का मिलेगा, और जो लोग अगर बाहर कहीं रहते हैं ऑनलाइन भी मिलता है, अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उस पर मिलता है, आप शंख लीजिए। लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम है, एक दूसरी समस्या है, घरों में शंख है, कुछ घरों में पूजा वाला शंख, इतना छोटा सा, देखने में शंख है बस, बजाने वाला नहीं है ना, शकल ही है बस शंख वाली, लेकिन वो बजता नहीं। तो बजाने वाला शंख लीजिएगा, बोल दीजिएगा दुकानदार को बजाने वाला शंख दो। अब शंख, कई लोग ये भी कहते हैं कि शंख बजे कैसे, बजाना भी तो बड़ा कठिन है, फूक मारते हैं हवा निकल जाती है, होता ही नहीं कुछ, इसको बजाएं कैसे, ये भी एक आर्ट है, इसको भी सीखने की जरूरत पड़ती है। तो सीख सकते हैं, बहुत आसान है इसको सीखना, इसको बजाना बड़ा आसान है। कैसे बजाना है देखिए, इसका टेक्निक है, मैं अभी थोड़ा बता दूं। शंख की कोई आवाज नहीं होती, ध्यान रखिएगा, शंख में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन शंख से आवाज निकलती है।